हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे कक्षा 10 की हिंदी की कार्यपत्र 26, जो आपकी 2 सितंबर की यानी कि कल की जो कार्यपत्र है, वर्कशीट है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो जो हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसका अगला भाग जो है वो हम करने वाले हैं। तो बेसिकली जो राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद है वो कब हुआ था, जब श्री भगवान राम ने जो परशुराम को, जो भगवान शिव ने या महादेव ने जो धनुष दिया था उसको तोड़ देते हैं राम, जो सीता की जो स्वयंवर होता है उसके अंदर रखा होता है जनक ने। ठीक है, तो जनक ने जो धनुष सीता के स्वयंवर में रखा होता है, ठीक है, और उसके लिए वो बोलते हैं कि जो इस धनुष को उठाकर तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो उसके लिए राम जो है वो उस धनुष को उठा के तोड़ देते हैं। तो उसके बाद में जो परशुराम है और उनके बीच का जो संवाद है, लक्ष्मण क्या बोलते हैं, परशुराम क्या बोलते हैं और भगवान राम क्या कहते हैं, तो उसके बारे में जो है वो संवाद है। तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहे लागे बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोर, परसु सुधरे धरु न धोर। अब जान देव मोहे देहु मोसे मोही लोगु, कटुबांधी बालक बद जोग, बालक बिलोकी बहुत मैं बांचा, अब यह मनिहार ना भासांचा। कौशिक कहाँ क्षमी अपराध बाल दोष गुण गने नसाद, खर कुठार में अकरन को ही आगे अपराध गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नैते एह कटार कुठार कठोरे, गुरु ओरिन हतौ श्रम धोरे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक जो है इनका संवाद जो है वो संस्कृत या हिंदी की जो एक कविता है उसके रूप में उन्होंने लिखा हुआ है। तो इसके अंदर उन्होंने किया क्या है, देखो कि भावार्थ इसका क्या है कि आप तो मानो काल हांक लगाकर बार बार मेरे लिए बुलाते हो। लक्ष्मण ने कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी के लिए अपने भयानक फरसे को ठीक से हाथ में लिया और बोले कि अब लोग मुझे दोष ना दें या कड़वा बोल बोलने वाला बालक, मतलब जो कृष्ण जो लक्ष्मण थे उन्होंने बोला कि आप तो मानो काल को हांक लगाकर बार बार मेरे लिए ही बुलाते हैं। लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनकर जो परशुराम जी है वो बोले कि अब मेरे को दोष मत देना, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य है। ठीक है, मतलब इसको मार देना चाहिए, इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। ठीक है, तो विश्वामित्र ने उसके बाद में क्या कहा, विश्वामित्र जी ने कहा अपराध को क्षमा कर दें, यानी कि जो लक्ष्मण का अपराध है उन्होंने जो उनसे कड़वे वचन बोले उनके लिए उनको क्षमा कर दें। बालकों का दोष और गुण साधु लोग हैं वो गिनते नहीं हैं। ठीक है, उनके लिए बालक जो होते हैं वो एक समान होते हैं, किसी का गुण और दोष वो नहीं देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में है परशुराम जी बोले कि तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, यानी कि जो लक्ष्मण थे ना, राम जो थे वो शील स्वभाव के थे, मतलब ठीक है जो धैर्य रखते थे, पर लक्ष्मण जो थे ना वो शील स्वभाव के नहीं थे, उन्हें जल्दी ही वो क्रोध जो है वो आ जाता था। तो वो उनको बोल रहे हैं कि ये मेरे सामने से उत्तर दे रहा है। तो जो हमारे थे विश्वामित्र जी, उन्होंने हृदय में हंसकर कहा। अब वो हृदय में क्यों हंसे, क्योंकि परशुराम जी को पता नहीं था कि राम और लक्ष्मण कौन है, वो उनको साधारण क्षत्रिय समझकर ही उनको डांट रहे थे या उनको अपना जो है वो बता रहे थे कि वो क्या है। ठीक है, तो विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम जी को हरा हरा सूझ रहा है, यानी कि अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये ही श्री राम को भी साधारण क्षत्रिय भी समझ रहे हैं, यानी कि राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु फौलाद की बनी खांड है, रस की खांड नहीं, यानी कि वो उनको साधारण क्षत्रिय समझ रहे थे पर वो फौलाद की बनी हुई खांड थे। फौलाद की बनी हुई खांड क्या होती है, जो इस आसानी से पिघलती नहीं है, बहुत मतलब शक्तिशाली होती है। ठीक है, रस की बनी हुई खांड नहीं, जैसे हमारे घरों में चीनी होती है जो मुँह में लेते ही क्या होता है, पिघलनी शुरू हो जाती है, यानी कि गल जाती है। ठीक है, खेद है मुनि अब भी ना समझ बने हुए हैं और इनके प्रभाव को समझ नहीं रहे हैं, और उनको मुनि जो है उनको पता नहीं था कि श्री राम और लक्ष्मण है कौन। ठीक है, तो श्री राम जो थे वो भगवान विष्णु का अवतार थे। ठीक है, तो उनको पक्का पता नहीं था कि वो कौन थे, इसीलिए वो उनको बता रहे थे कि उन्होंने क्या क्या किया और उनको उनकी खामियाँ जो है वो गिना रहे थे, उनके ऊपर क्रोध जो है वो कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं इनके क्वेश्चंस के ऊपर, इनके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं।
उसके बारे में बच्चों बात करते हैं क्वेश्चंस की, इनके प्रश्न के। तो निम्नलिखित अर्थ के लिए गद्यांश से उचित शब्द ढूंढिए। हमें ये जो यहाँ पे शब्द दिए हैं इनके अर्थ वाले, यानी कि इनका जो अर्थ है वो हमने गद्यांश से उस जो कविता वाला भाग है उसमें से ढूंढ के जो है वो लिखना है, ठीक है। या जो हमारे नीचे अर्थ दिया हुआ भावार्थ उसमें से देख के जो है हम लिखेंगे इनका अर्थ। तो कठोर को ये जो हमारा गद्यांश है इसके अंदर माना गया कठोरा, ठीक है। लोग को लोग लोगु, ठीक है। मारे जाने योग्य बद जोग, विश्वामित्र कौशिक, क्षमा को क्षमे, ठीक है। गिनना को गिने, दया रहित अकरुण, करुणा मतलब दया होती है, अकरुण जो होता है वो दया रहित जिसको कहा जाता है। लोहा या फौलाद से बनी हुई अयमय, ठीक है। खांड भी आप इसके आगे लगा सकते हो, पर लोहा और फौलाद से कोई भी चीज़ जो बनी होती है उसको अयमय कहा जाता है, ठीक है, जो गलती नहीं है। उसके बाद में है गन्ने से बनी हुई, वो होती है उखमय, ठीक है। ई से ईक होती है ना, तो ई से ईक मतलब ईक का उख में है, ठीक है, इसको याद करने का तरीका। उसके बाद में परशुराम जी विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के बारे में क्या कहा, जो पद्यांश है पढ़कर बताइए। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के बारे में क्या कहा, तो परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि यह बालक मंदबुद्धि लगता है और काल को के वश में होकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है। इसकी स्थिति उसी तरह है जैसे सूर्यवंशी होने पर भी चंद्रमा में कलंक है। यह निपट बालक निरंकुश है, अबोध है और इससे भविष्य का भान नहीं है। यह तो क्षण भर के काल में काल के गाल में समा जाएगा, फिर आप मुझे दोष मत देना, ठीक है। वो बहुत गुस्सा थे लक्ष्मण के साथ क्योंकि वो उन्हें सामने से उत्तर दे रहे थे। उसके बाद में है विश्वामित्र जी हृदय में क्यों हंसे, तो विश्वामित्र जी हृदय में इसलिए हंसे क्योंकि सर्वत्र विजय होने के कारण परशुराम जी राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे थे, मतलब उनको पता नहीं था कि वो कौन है, वो उनको साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे थे, बट वो भगवान का जो अवतार थे, ठीक है। उसके बाद है दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए, प्रस्तुत कथन के बारे में अपने विचार लिखिए। तो उसका उत्तर है हमें जो है वो विनम्र रहना चाहिए, नम्रता के साथ रहना चाहिए, खुद को कम न समझना और दूसरों से अपनी तुलना नहीं करना आपको असल जिंदगी का महान आचरण वाला बनाती है। कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि एक तिनका भी अगर आँख में उड़कर आँख में पड़ जाए तो वह आँखों में चुभता है। इसीलिए कभी भी किसी को छोटा समझना नहीं समझना चाहिए क्योंकि वह छोटा छोटे से बड़ा बन जाए और हमसे आगे बढ़ जाए यह संभव बहुत जल्द हो सकता है। यानी कि छोटा कब बड़ा हो जाए कोई पता नहीं लगेगा, समय का फेर ऐसा आएगा कि वो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो किसी को कम समझ के कुछ बोलना नहीं चाहिए उसके बारे में, उसके बारे में अपनी जजमेंट है वो नहीं देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ऐसी कोई घटना को याद करके लिखिए जिसमें आपने न्याय का प्रतिकार या विरोध अन्याय का प्रतिकार और विरोध किया हो। तो इस ऐसी एक अन्याय और प्रतिकार की घटना जो है वो देखो, अन्याय करना और सहना दोनों ही अपराध माने जाते हैं। मेरे पड़ोस में गरीब परिवार रहता था, एक दिन उसके यहाँ से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। हमने जाकर देखा तो बच्चों का पिता उन्हें मजदूरी काम करने न जाने की वजह से पीट रहे थे, यानी कि बच्चों से बाल मजदूरी वो करवाते थे और वो मजदूरी पे नहीं गए तो इसलिए उनको पीट रहे थे। हमारे मोहल्ले के सारे लोगों ने मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और बच्चों को उनका शिक्षा प्राप्त करने का हक दिलाया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे मेहनती लड़का और मीठा आम। मेहनती मतलब जो मेहनत करता है वो इसकी क्वालिटी को बताता है, उसकी विशेषता को बताता है। मीठा आम खट्टा भी हो सकता है, ठीक है, तो मीठा आम मतलब आम की विशेषता है वो। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको क्या बोला जाता है, विशेषण बोला जाता है। तो ऐसे ही चार विशेषण हमने उठा के लिखने हैं। तो पहला है साधारण क्षत्रिय, क्षत्रिय है कैसा है, साधारण, ठीक है। तीखी धार यानी कि धार तेज है। एक कठोर वचन, एक मधुर वचन होते हैं, कठोर वचन होते हैं मतलब कड़वे वचन जिनको कहते हैं। भयानक फरसे यानी कि जो डराने वाला होता है उसको, डराने वाले एकदम से जो आपको है वो एक्सप्रेशंस जिनको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी वर्कशीट नंबर 26, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ।